साई सुमिरन ट्रस्ट सहर्ष आमंत्रित करता है। श्री साई ज्ञानेश्वरी। ओम साई राम। साई भक्तों, मैं साई दास राकेश जुनेजा आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से श्री साई ज्ञानेश्वरी के ज्ञान को लेकर, बाबा की बातों को लेकर, क्योंकि आज वर्तमान समय में हम सब लोग कोरोना के भय से भयभीत हो रहे हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दुनिया भर के लोग संकट में हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए हमें इस महामारी से बचने का हमारे पास में क्या उपाय हैं, बाबा ने इसके बारे में क्या बताया है, आइए हम इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं बाबा की बात, ज्ञानेश्वरी की बात। मृत्यु के भय से मुक्ति, किस तरह से ये जो भय हमें मृत्यु का भय भयभीत कर रहा है, इससे मुक्त किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला कि नित प्रतिदिन हमें आध्यात्मिक ग्रंथ श्री साई सचित्र, श्री साई ज्ञानेश्वरी, भगवद गीता, इन ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। इसके परायण से जीवन में व्यापक दुखों का विनाश होता है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान है वो हमारे ज्ञान को मिटा देता है, उसका विनाश करता है और संसार का सही मायने में चित्रण करता है कि ये संसार क्या है। जब हमें संसार के बारे में पता लग जाता है कि ये संसार मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, तो भय किस बात का। हम सब लोग तो यहां कुछ समय के लिए ही आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में जगह जगह दुख व्याप्त है, कोई भी इन दुखों से नहीं बच सका। दुख और सुख हमारे कर्मों के प्रभाव से हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। ये मात्र तरंगे हैं, ये हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किसको दुख मानते हैं, किसको सुख मानते हैं। इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को सदैव स्थिर रखना चाहिए। जो होना है वो हो के रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और दुख के बादल हटने लगते हैं। व्यथा छटपटाने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा जो टीवी में, फेसबुक में, सोशल मीडिया के अंदर में कोरोना के बारे में जो दिखाया जा रहा है, उसको देखकर हम लोग चिंतित रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। हमें चिंता छोड़ के चिंतन करना चाहिए ईश्वर के नाम का, श्री साई ज्ञानेश्वरी के ग्रंथ के पठन पाठन का। इसके ऊपर में हमें वक्त को बिताना चाहिए, जिससे हमें कुछ ज्ञान हासिल होगा, भक्ति हासिल होगी और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। कलयुग के अवतार श्री साई आज भी सक्रिय है। करीब 2 वर्ष पहले बाबा ने महासमाधि ली थी, लेकिन भक्तों के खातिर, उनके प्रेम के खातिर उनको आज भी सहायता पहुंचाते हैं। जो उनकी शरण चला जाता है एक बार, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। श्री साई के चरणों में अटूट श्रद्धा बनाए रखें और इस विपत्ति काल में अपना धैर्य ना खोएं। साई शरणम दुख हरणम, बाबा ने जो 2 शब्दों के मंत्र दिए थे, श्रद्धा और सबूरी, यही दुख निवारण मंत्र है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जो चलता है, यकीनन साई उसके होते हैं।
सब और धैर्य के साथ जो भक्ति करता है उसकी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। ये भक्ति हमको शक्ति प्रदान करती है जिससे इस संसार के तमाम कष्टों से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। श्री साई की भक्ति बहुत ही सरल है, सुगम है और सार्थक भी है। साई पूजा के लिए कोई विशेष आयोजन की जरूरत नहीं, साई नाम जाप से ही साई प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति शुद्ध भाव से अहंकार रहित होकर उनकी शरण में जब आ जाता है तो साई उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। और एक बार आप साई की शरण चले गए तो इस जन्म ही नहीं जन जन्मांतर तक बाबा साथ देते हैं। ये सब उनकी कृपा ही है जो हम सब साई भक्त उनके साथ आज जुड़े हुए हैं और हमें उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा में लगा रखा है। श्री साई शास्त्र में भी लिखा है कि मानव जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जन्म में ही हम वो उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जो हम किसी और योनि में नहीं कर सकते। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, परंतु हम लोग मानव जाति हमेशा भयभीत रहती है, किसी के खोने का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, इन सब भय के अंदर में जीवन विवित होता है। इस भय का कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? ये भय का कारण हमारा अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान के कारण हम इन संसारिक मोह बंधनों में पड़ जाते हैं और हमें हर चीज से मोह हो जाता है और समझते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा है। अब उसको छोड़ने का दिल नहीं करता। साईं भक्तों, जरा सोचो, क्या कोई आज तक इस दुनिया में, इस संसार में हमेशा के लिए रहा है? नहीं, सबको छोड़ के जाना होता है। कोई आज, कोई कल नहीं, तो कोई चार दिन बाद में, सबने जाना है। तो मौत से भय क्यों? ये मौत का भय हमें मोह के कारण होता है। मोह ही हमारे बंधनों का कारण है, मोह के कारण ही हम दुख प्राप्त करते हैं। ये संसार क्या है? मात्र एक धर्मशाला की तरह है। इस धर्मशाला के प्रति हम मोह क्यों करते हैं? जिस प्रकार हम कुछ समय के लिए धर्मशाला में जाते हैं परंतु कार्य खत्म होने के बाद वापस अपने घर चले आते हैं, उसी प्रकार से ये संसार रूपी धर्मशाला में हम आए हैं। हमारा कार्य खत्म हो जाएगा, यानी कि कर्मों का भोग जब समाप्त हो जाएगा तो हम इस संसार से चले जाएंगे। और जाना कहाँ है? अपने परम धाम जाना है। वहां हम तभी जा सकते हैं जब हमारा कर्मों का लेन देन खत्म हो जाएगा। ईसाई भक्तों, वहां तो हम एक सुई भी लेके नहीं जा सकते, फिर इतना मोह क्यों संसारिक वस्तुओं से, संसारिक रिश्तों से? कोई साथ नहीं जाता। जब तक इस मोह का आवरण नहीं हटेगा, हम इस संसार में, इस संसार रूपी धर्मशाला के अंदर आते जाते रहेंगे और इसी प्रकार से कष्ट भोगते रहेंगे। आज कोरोना काल का कष्ट है, कभी किसी चीज का कष्ट है, कभी किसी चीज का कष्ट है। दुख, ये संसार को दुखाले ही कहा जाता है। ये हमारे गुरुओं की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे सदगुरु साईनाथ की कृपा है कि जो हमें उन्होंने अपने साथ जोड़ा और हमें हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए ये ज्ञान के उपदेश दिए और श्री साई ज्ञानेश्वरी की रचना कराई। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से ही मोह के कारण उपजे भय का विनाश होता है। पंच तत्वों से प्राप्त ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इस शरीर का क्या रूप है? मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में मिल जाता है। हमारा यहां क्या है? कुछ भी नहीं। जिसे हम अपना समझते हैं, क्या वो सही में अपना है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस जन्म के रिश्ते नाते हैं। यहां तक कि हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है,
ये शरीर भी पंच तत्वों से लिया गया उधार है जो हमें एक न एक दिन चुकाना है। तो मेरे भाइयों, भय किस चीज का? हमारा कुछ भी नहीं है संसार में, हमने क्या लेके जाना है? मिट्टी का बना यह शरीर मिट्टी में मिल जाना है। क्यों ना इस शरीर के रहते हुए वो कार्य करें जिस कार्य के लिए हम यहां पर आए थे। मोह को छोड़कर साई से मोह करें, क्योंकि साई से मोह करने से ही, साई के स्मरण करने से ही हमें सदगति प्राप्त होती है। ईश्वर उपनिषद में लिखा है, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी की इच्छा में रहना ही हमारा धर्म है। उसकी कृपा से हमारे जीवन में जो भी हमें प्राप्त है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह संसार तो उसी की रचना है। अखिल ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर की इच्छा समझते हुए हम सबको उस ईश्वर, उस साई ईश्वर, उस साक्षात ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और इस शरीर रूपी यंत्र को सदैव भक्ति भाव और सेवा भाव में लगाना चाहिए। यही श्री साई ने 60 बरस तक शिरडी में रहकर सबको समझाया। श्री साई ज्ञानेश्वरी में बाबा भगवान श्री कृष्ण की बात दोहराते हैं। बाबा कहते हैं, जिसे तुम मरना कहते हो वह तो मात्र एक प्राकृतिक घटना है। ज्ञान की आंखों से देखो, यहां किसी की मृत्यु नहीं होती। शरीर क्षीण अथवा क्षतिग्रस्त होने के बाद आत्मा इस चोले को छोड़कर दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। यही इस सृष्टि का नियम है। जो शरीर को ईश्वरी कार्य में, ईश्वर के सुमरण में लगाता है उसे सदगति प्राप्त होती है। जो ये कार्य नहीं कर पाता उसकी दुर्गति होती है। जिसको सदगति प्राप्त होती है उसके दुख सदैव सदैव के लिए मिट जाते हैं। वह उस ईश्वर के साथ एकाकार करके परम आनंद की स्थिति में हो जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता, ना ही उसका मरण। हमारे अंदर व्याप्त आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं, ना ही उसे कोई मार सकता है। यही गीता का ज्ञान है। वर्तमान समय में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मानव जाति पर दुख के बादल मंडराए हुए हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व में हाहाकार मचा है। इस महामारी से बचने के लिए कोई हर प्रयास विफल हो रहे हैं, लेकिन साईं भक्तों, क्या सही माने में हमने प्रयास किया? हमें सदैव अपने आप से भी प्रयास करने हैं, क्योंकि अगर हमारा शरीर कोरोना की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आत्मा उसको छोड़ देगी। इस शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य और इसका कर्तव्य हमारा है। जब तक शरीर सुरक्षित रहेगा तो हम संसारिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। शरीर नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। श्री साईं से चित्र में ऐसा आश्वासन दिया गया है, जो साईं भक्ति की तरफ अग्रसर होगा उसके दुख और कष्ट मिट जाएंगे। श्री दास गुरु महाराज ने श्री साईं ज्ञानेश्वरी में यह आश्वासन दिया है 9वें अध्याय में कि जो नियमित रूप से श्री साईं ज्ञानेश्वरी का पारायण करेगा उसके अज्ञान का विनाश होगा। मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाएंगे। आपत काल में व्यक्ति अकाल मृत्यु की प्रहार
एवं प्रकोप से सुरक्षित बचेगा। साई भक्तों, श्री साई ज्ञानी श्री का सदैव प्रायण करो, यह हमें इस कोरोना काल में बचाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है दास गुरु महाराज ने, जो परम भक्त साई के श्री साई ज्ञानी श्री में ऐसा कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो मेरे भक्तों, मेरे साई भक्तों, ताकि दुखों से सदैव के लिए छुटकारा हो सके। साई ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि वही कलयुग के मानव जाति के रक्षक हैं, सबकी करुण पुकार सुनते हैं और तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। श्री साई ने भक्तों को आश्वासन दिया था बाबा ने समाधि के पहले, अगर मैं ये शरीर छोड़कर चला भी गया तो भी मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहूंगा, जब भी तुम मुझको याद करोगे मैं आऊंगा। जिस प्रकार साईं बाबा ने शिरडी में महाप्लेग महामारी के दौर रोकने के लिए चक्की में गेहूं पीसकर आटा शिरडी की सरहद पर डलवाया था और महामारी का अंत हुआ था शिरडी में, उसी प्रकार हम सब साईं भक्त साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस कोरोना महामारी का अंत अति शीघ्र करें और शिरडी के पट खुले, ताकि हम सब लोग मिलकर फिर से आपका मनमोहक और भय विनाशक रूप के दर्शन कर सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा हम सब की करुण प्रार्थना सुनेंगे और एक बार फिर से साई चमत्कार होगा, जैसे पानी से दिए जले थे ऐसे कोरोना महामारी का भी अंत होगा। आप साई भक्तों ये देखते रहिएगा, बस आपके करुणा पुकार करने की जरूरत है, साई से प्रार्थना करने की जरूरत है। श्री साई का कोई भी जाति गोत्र की कोई सीमा ना थी, श्री साई अप्रत्याशित कृपा करने वाले हैं, बिना सोचे समझे कृपा करते हैं, जो उनके दर पे आ जाता है वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। साईं करुणा के अक्षय भंडार हैं शिरडी वाले साईं बाबा, आप सबकी प्रार्थना सुनेंगे। एक बार प्रार्थना करुण प्रार्थना करके तो देखो, आपकी इस विपत्ति काल में वह रक्षा सुरक्षा करेंगे, ऐसा हम साईं भक्तों का दृढ़ विश्वास है। आप सब पर बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री साईं ज्ञानेश्वरी, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो।